डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए एक सर्टन इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ता है, तो वो सब जो है वो हमारी मार्केटिंग पॉलिसी का हिस्सा है। जो अगर कोई इंटरेस्टेड हो पार्टी तो वो जो है हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू राइड एशिया 2023 जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में, और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक वेल नाउन कंपनी के स्टॉल पर। आप सभी जानते हैं ये है कंपनी रालसन, और रालसन वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है टायर एंड ट्यूब्स के इन इंडिया में, और यहां पर टॉप 5 में ये वर्ल्ड लेवल पर आते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं, अगर आप इस तरह की बिजनेस आना चाहते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे आप? आई एम फाइन। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर। हाँ, रालसन जैसा अभी आपने बताया, बाइसिकल से लेके टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ई बाइक, ट्रैक्टर, अल्ट्रा लाइट ट्रक, और अब हम ट्रक और बस के रेडियल टायर भी बनाने लग गए हैं। तो हमारे पास कंप्लीट रेंज है टायर्स की। हमारे कंपनी में एक सेकंड में करीब करीब 2 टायर बनते हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मैसिव हमारा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारी कंपनी, हमारे 3 कंपनियां, 3 यूनिट, 3 टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लुधियाना में हैं। एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हमने अभी लगाया है ट्रक और बस रेडियल्स का, वो इंदौर में, वो एक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो ट्रक्स और ट्रेलर्स के टायर्स जो है US मार्केट, यूरोप मार्केट, मिडल ईस्ट मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर करेगी। सो आप इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो और टॉप 5 में भी वर्ल्ड लेवल पर भी आते हो, क्या कारण है सर? देखिए, बाइसिकल में हम इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं जी। और ऑटोमोबाइल में हम वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल टायर कंपनी इन इंडिया। ई बाइक टायर्स में हमारा मार्केट शेयर और हमारी हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट में हमारा शेयर जो है वो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। रीज़न प्राइमरीली हमारी क्वालिटी है, हम इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर हमेशा कंज्यूमर को कुछ ना कुछ बेटर देने की कोशिश करते हैं, टायर की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, टायर की रोड ग्रिप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, टायर की रोलिंग रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि कंज्यूमर को माइलेज ज़्यादा मिले, उतने ही थ्रस्ट से, उतने ही फ्यूल से उसका व्हीकल ज़्यादा दूरी तय करे। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, जो वैल्यू हमारी प्रोपोजिशन है, हम अपने टायरों की वैल्यू प्रोपोजिशन को लगातार स्ट्रेंथन करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे कंज्यूमर जो है वो हमारे साथ बने रहते हैं और नए कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और हमारा जो है मार्केट शेयर जो है वो हमेशा जो है वो फ्रंट लाइन में ही रहता है। और यहाँ पर सर आपने काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये बाइसिकल टायर्स की रेंज है, ये प्रीमियम टायर्स हैं हमारे, ये प्रीमियम टायर्स, इनको इनमें स्पेशल पंक्चर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। एक एक्स्ट्रा लेयर टायर के कारकस और टायर के ट्रेड के बीच में इंसर्ट किया जाता है, डिफरेंट MM थिकनेस का, जिससे टायर की पंक्चर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, और आपको रास्ते में जो एक नॉर्मल साइकिल का या किसी भी और व्हीकल का एक इशू होता है कि कहीं कोई शार्प एज्ड चीज़ उसको हिट कर जाती है टायर को या ट्यूब को और उसको रप्चर कर देती है, ये इश्यूज़ आपके काफ़ी हद तक जो है ना वो आपसे जो है आप मतलब आपको इन इश्यूज से काफ़ी हद तक जो है ना छुटकारा मिल जाता है। सर जैसे ये जो ग्रिप का जो ये पैटर्न है अलग अलग है, किस बेसिस पे ये अलग अलग होता है? देखो, ये MTB टायर्स हैं ये MTB टायर्स हैं, इनका जो ग्रिप है वो ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों तरह के टेरेन्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपको, आप इसको डर्ट में भी चला सकते हो, आप तो इसको रोड पे भी चला सकते हो, और आप इसको हिल एरियाज़ में भी चला सकते हो। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो ये 50-50 पैटर्न हैं, ये ज़्यादा, ये रोड पे
ज़्यादा कामयाब हैं, और जो नॉबी टायर्स हैं वो हिल एरियाज में, ऑफ रोड में, ट्रेल में, इस तरह की राइडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। फिर देखिए, ये है हमारी रोड रेंज, जो जिसको सिटी रेंज कहते हैं। ये सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में रोड के ऊपर चलने वाले टायर्स हैं। अभी ये आपको एक मैं टायर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाइड टायर्स हैं, एंड्योरो ग्रिप इसका नाम है। ये टायर्स जो हैं, आजकल आपने वो देखा होगा, फैट साइकिल्स जो हैं, ये फैट साइकिल्स के टायर्स हैं। ये आजकल यंगस्टर्स बहुत जो है ना, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और देर शोइंग कीन इंटरेस्ट इन दीज प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा, ये फैट प्लस रेंज है, ये सब ये फैट प्लस टायर्स हैं। ये लेटेस्ट जो है ना, हमारी इंट्रोडक्शन है। और तो ऑलवेज R&D चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते रहते हो कंज्यूमर की नीड्स के मुताबिक। ये BMX है, जो आपने देखा होगा कि जो कुछ यंगस्टर्स साइकिल के ऊपर स्टंट्स करते हैं, साइकिल के ऊपर जो है वो व्हीली करते हैं, रोड के ऊपर, और जंप्स लगाते हैं साइकिल के ऊपर, वो थोड़ा लो हाइट साइकिल जो होता है BMX साइकिल, ये उसके टायर्स हैं। ये एक्स्ट्रा रगड बनाया जाता है, इनको काफ़ी रोबस्ट बनाया जाता है, ताकि ये जो है ना, ये इम्पैक्ट जब आता है इनके ऊपर, टायर्स के ऊपर, हाइट से जब ये ज़मीन पर पड़ते हैं, तो ये जो है वो ये टायर्स जो है ना, वो कटे ना। मटेरियल किस तरह की यूज़ करते हैं सर? मटेरियल देखिए क्या है, टायर बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स, रबर, सिंथेटिक रबर वगैरह, और कार्बन ब्लैक वगैरह यूज़ होता है। ये सब चीज़ें, इनका जो कंपोजिशन है, जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं, वो कंपाउंडिंग में बहुत जो है वो रिसर्च करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है, कई डिफरेंट रेशोज़ में, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में, डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके फिर ऐसा कंपाउंड तैयार किया जाता है, जो कंपाउंड ना सिर्फ हमको रोड के ऊपर एक लॉन्गर लाइफ दे, बल्कि रोड के ऊपर ग्रिप भी दे, वेट सरफेस पे ग्रिप दे, ऑफ रोड में ग्रिप दे, और कुछ शार्प टर्न्स हो या ब्रेकिंग हो, ये सब सिचुएशंस में वो कंपाउंड जो है इस तरह से बिहेव करे कि राइडर को जो है उसकी सेफ्टी बरकरार रहे। तो ये सब जो टायर्स आते हैं, ये रीम के साथ ही आते हैं इस तरीके? ये नहीं, टायर्स में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो टायर्स और ट्यूब्स का है, हम ट्यूबलेस टायर्स भी बनाते हैं। तो ये इस तरह से रिम जो है वो मार्केट से लेना पड़ता है, या ये व्हीकल के साथ, इट्स पार्ट ऑफ द व्हीकल। आजकल लेटेस्ट जो ई बाइक्स आए हैं, ये हमारी ई बाइक, ई स्कूटर, ई मोटरसाइकिल टायर्स की रेंज है हमारा। इसके अंदर आप ये, इसमें हम रालको ब्रांड में हम अपने ई स्कूटर और ई मोटरसाइकिल टायर्स बेचते हैं। ई रिक्शा के भी जो हमारे टायर हैं, वो हमारे टोटल मार्केट का जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मार्केट है, उसका हमारे पास जो है करीब करीब 35% शेयर हमारे पास है। हमारे ये टायर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टायरों की रोलिंग रेजिस्टेंस कम है। रोलिंग रेजिस्टेंस कम होने से उतने ही चार्ज से हमारे टायर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, जिससे आपको आपकी बैटरी का जो कंजम्पशन है वो कम होता है, और बार बार आपको चार्जिंग नहीं करना पड़ता। तो ये सारे स्पेशल रबर कंपाउंड से ये रबर कंपाउंड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस कम रहे। रोलिंग रेजिस्टेंस कम होने से टायर उतने ही थ्रस्ट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और उसको उसके उस आपकी व्हीकल की माइलेज एनहांस होती है, वो बढ़ती है। तो ये बाईसाइकिल के अंदर आपका रालसन ब्रांड से आएगा, और इधर नहीं, बाईसाइकिल हो, बाईसाइकिल में हमारा रालसन ब्रांड से भी टायर आते हैं, रालको ब्रांड से भी आते हैं। कुछ स्टेट्स में हम रालसन ब्रांड में मार्केटिंग करते हैं, कुछ बाकी स्टेट्स में हम रालको ब्रांड में अपने बाईसाइकिल टायर मार्केट करते हैं। बाकी ये है कि सिर्फ हमारे जो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं वो सिर्फ रालको ब्रांड में आते हैं। ऑटोमोबाइल टायर में हमारा जो
मेन फोकस एरिया है वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के टायर्स हैं। हालांकि ये ई बाइक के टायर्स और ई थ्री व्हीलर और ई रिक्शा के टायर्स आजकल ये एक मतलब एमर्जिंग मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है और बहुत फास्ट जो है डेवलप हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो ये टायर्स जो हैं आजकल इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए हम इनको जो है इन पर स्पेशल एम्फेसिस और फोकस दे रहे हैं। तो जैसे अगर देखिए सर, आपकी मार्केट शेयर काफ़ी है और काफ़ी, हाँ हर कोई जानता है, तो मार्केट शेयर आपकी काफ़ी है। यहाँ पर अगर कुछ नए लोग अगर आना चाहते हैं इस बिज़नेस में या आपसे जुड़ना चाहते हैं, और क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है और उनके लिए वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए वो ये मार्केटिंग का एंगल है प्राइमरीली, तो देखो आपके पास, आप इस बिज़नेस से होने चाहिए, आपके पास अपना वेयर हाउस होना चाहिए, अपनी मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, और आपको थोड़ा, अगर आप टायर इंडस्ट्री से कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो वो एक एडिट क्वालिफिकेशन है। बाकी इन्वेस्टमेंट का एक सर्टन लेवल है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए एक सर्टन इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, तो वो सब जो है वो हमारी मार्केटिंग पॉलिसी का हिस्सा है। जो अगर कोई इंटरेस्टेड हो पार्टी तो वो जो है हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग टीम से, और उनको वो सब नॉलेज और वो सब डेटा दे दिया जाएगा। अगर एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं? बिजनेस हमारा जो मॉडल है मार्केटिंग का वो है, हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं हमारे, कुछ केसेस में जो डायरेक्ट डीलर से भी डील करते हैं, बाकी लार्जली हम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के सब डीलर्स, मतलब हमारे सारे इंडिया के अंदर करीब मोर देन 40 ब्रांच ऑफिसेज हैं। सभी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में हमारा एक ब्रांच सेल्स ऑफिस है जहाँ हमारा वेयर हाउस होता है, जिसमें हमारा स्टॉक रहता है, और ब्रांच ऑफिस में हमारा सेल्स स्टाफ रहता है। तो जो भी पार्टी कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर टायर्स में, हमारे टायर्स में डील करना चाहे, वो हमारे लोकल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकती है। हमारा वेबसाइट पे हमारे लोकल ऑफिसेज का सब पता, फ़ोन नंबर ब्रांच मैनेजर्स के रहते हैं, तो वेबसाइट से उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और हमारे ब्रांच मैनेजर्स, ब्रांच सेल्स मैनेजर्स, हमारे रीजनल मैनेजर्स, वो सब उनको नॉलेज दे सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना क्या क्या हमारी प्राइस पॉलिसी है, क्या हमारे डिस्काउंट पॉलिसी है, क्या हमारे इंसेंटिव्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो ये सब ऐसा होता है। तो एवरेज कितना मार्जिन ले पाते हैं वो लोग? देखिए मार्जिन जो है वो एक कम्पटिटिव, कई कम्पटिटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बाकी मार्जिन जो देखो ऐसा है कि ये इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन जो हैं वो 10-20% का मार्जिन के ऊपर इंडस्ट्री चलती है। चलिए सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये हमारी वेबसाइट है ralcotires.com और ralson.com। ralson.com पे आपको बाइसिकल के रिलेटेड, अगर आपको कोई बाइसिकल, हमारे बाइसिकल टायर्स में डील करना है, तो वहाँ उस हमारे हेड ऑफिस का, मार्केटिंग ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। ralcotires.com में आपको हमारे ऑटोमोबाइल टायर डिवीज़न का एड्रेस मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल टायर हमारे मार्केटिंग ऑफिसेज और हमारे ब्रांच सेल्स ऑफिसेज, उन सब का जो है ना, उनका पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स, रीजनल मैनेजर्स के, मार्केटिंग हेड के, ब्रांच मैनेजर्स के, सब वो वेबसाइट से मिल जाएंगे। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए हमारे, हम टायर इंडस्ट्री के अंदर पिछले 50 साल से हैं, और हमने अपने पिछले 50 साल जो हमने इस टायर इंडस्ट्री में बिताए हैं, हमने बहुत बहुत अपने क्वालिटी को, हमेशा हमारा फोकस ही हमारी क्वालिटी रहा है। हमने एडवर्टाइजिंग कम किया है, हमने टायर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़्यादा कोशिश की है, और हम हमेशा एक एक्स्ट्रा वैल्यू अपने कंज्यूमर को देने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी कारण हमारी डिमांड
और हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और हमारा मार्केट शेयर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के 70 कंट्रीज़ में वह बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।